Good evening, viewers. 27 people lost their lives as a result of that fire in Mundka building in the national capital. Three North Delhi civic body officials were suspended for laxity. Mirror Now has posed your direct questions to North Delhi civic body chief, Mr. Sanjay Goyal. Now, so far, three junior civic body officials have been suspended. But what about other senior officials? North Delhi civic body chief said that undeniably there were lapses on the part of the civic body. He added that action has been taken on field officers first, but that vigilance department's probe is still on, and if seniors are found guilty, they won't be spared either, and has assured that there will be no cover-up. संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मेरा नाउ से जुड़ने के लिए. संजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, किस तरीके से बड़ी घटना थी, इतने लोग, 27 लोग मारे गए, लेकिन एक्शन के नाम पर अगर बात करें तो सिर्फ तीन कर्मचारियों को ही निकाला गया है बिना लाइसेंस के. अवैध निर्माण उस पूरे इलाके में, जैसी हमें जानकारी मिली है, पूरे इलाके में धड़ल्ले से है, क्या इसकी खबर नहीं थी एमसीडी को? देखिए, ये जो दुखद दुर्घटना हुई है, जैसा हमने अभी अपने रिपोर्ट्स में भी जो है वो प्रेस रिलीज दिया था, इस ये एक एक्सटेंडेड लाल डोरा एरिया है. 2011 में ये बिल्डिंग है उस समय बनकर तैयार हुई थी, और उसके बाद से अभी कोई ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं थी. लेकिन क्योंकि लाल डोरा एरिया है तो ये बेसिकली ये रेजिडेंशियल एरिया ही होता है. केवल लाल डोरा का अगर कोई ऐसा पोर्शन है जो कमर्शियल रोड के अबटिंग होता है तो उस पे तो कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, बट इस लाल डोरा के पास में कोई भी कमर्शियल रोड नहीं थी. तो जो वो फैक्ट्री चल रही थी वो विदाउट परमिशन चल रही थी, और क्योंकि ये जिम्मेदारी जोनल जो हमारे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर्स है उन्हीं की होती है, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी में पूरे नहीं पाए गए. तो इसके लिए हमने जो वहाँ पे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर पिछले 2 साल से तैनात था और उनके जो सुपरवाइजरी उनको सस्पेंड किया है. इसके अलावा जब जांच में पाया गया कि इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स भी पिछले 7-8 साल से उन्होंने नहीं दिया था, और क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन में आजकल ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है एमसीडी की, तो इसलिए जो वहां पर जो हमारे जोनल इंस्पेक्टर होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, उनको भी सस्पेंड किया गया है. बिल्कुल, हमारे साथ बने रही हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से. तनिमा, आप कुछ सवाल इनसे करना चाहेंगी? कोयल साहब, आपने कहा कि कुछ अफसरों को सस्पेंड किया गया है, बट जैसे आपको भी पता है और हम लोग जो इतने दिनों से एमसीडी कवर किए चुके हैं, या दिल्ली गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है या सिविक बॉडीज कैसे वर्क करते हैं कवर किए चुके हैं, हमें पता है कि सस्पेंशन इज मियरली ए यू नो ऑन द फेस एक्शन विच अ सिविक बॉडी वुड टेक और अ गवर्नमेंट बॉडी वुड टेक. वॉट एग्जैक्टली इज देयर इन टर्म्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी? ना ही पुलिस वाले तो अपना काम कर ही रहे होंगे, बट अभी उनके तरफ से भी कोई अरेस्ट वगैरह नहीं दिखा गया है एज फार एज ऑफिशियल्स आर कंसर्न. फायर डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, सिविक बॉडी जो दिल्ली की सिविक बॉडी है वो क्या कर रही थी, ये पूरे सवाल अभी भी उठ रहे हैं. बिल्डिंग ओनर्स अरेस्ट हो गए हैं, बट वॉट अबाउट सिविक ऑफिशियल्स अकाउंटेबिलिटी? सस्पेंशन इनफ एक्शन? डू यू थिंक दैट्स नॉट द राइट मैसेज टू सेंड टू द पीपल? जी, आपकी बात ठीक है. इट वॉज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, देर इज नो डाउट अबाउट दैट. देर वॉज लैप्सिस ऑन द पार्ट ऑफ एमसीडी, उसके ऊपर भी हम उस चीज को मना नहीं कर रहे हैं. जो प्राइमा फेसाई, तो जो ऑफिसर्स जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी जो फील्ड ऑफिसर्स थे उनके ऊपर एक्शन ले ही लिया है, लेकिन इसके अलावा अब भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो उसके लिए सभी 6 जोन्स के अंदर हमने अपनी सर्वे की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले 3 दिन में, यानी कि 16, 17 और 18 मई को कई हजार प्रॉपर्टियां हैं, उसमें 3 कैटेगरीज में बेसिकली ये सर्वे हमारा चल रहा है. जितनी भी नॉन कंफर्मिंग एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चल रही है उनके लिए एक सर्वे किया जा रहा है. इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो फैक्ट्रियां बिना फायर एनओसी और बिना फैक्ट्री लाइसेंस के चल रही है उनका एक सर्वे किया जा रहा है. और तीसरा, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें फायर एनओसी अदरवाइज रिक्वायर्ड है और फायर और हेल्थ लाइसेंस नहीं है, इन तीनों का किया जा रहा है. और ये तीनों जो कैटेगरीज है वो इसलिए सिलेक्ट की गई है कि तीनों फायर के दृष्टि से हैजार्डस एक्टिविटीज है, क्योंकि कहीं पे भी अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी और अगर फायर का एनओसी नहीं है या गैर कानूनन तरीके से अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है किसी रेजिडेंशियल एरिया में तो उसमें खतरा बना रहता है. और हम अगले 6 दिनों में, जो लगभग 25 मई तक हमने ये टारगेट दिया है सभी 6 हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को, हम ये पूरी सर्वे कर देंगे और जो भी फैक्ट्रीज बिना फायर एनओसी के या अनऑथराइज्डली रनिंग पाई गई उनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. जो जूनियर स्तर के जो आपने
कह दिया कि बर्खास्त किए गए, उन पे कार्रवाई की गई। लेकिन देखिए कोई बच्चा नहीं यहाँ पे, सबको मालूम है कि एक कार्य की लिस्ट होती है, एक स्टेप बाय स्टेप कदम, एक एक कदम करके पहले सीनियर अधिकारी होते हैं, उसके बाद जूनियर अधिकारी होते हैं। तो आप ऐसे पल्ला झाड़ नहीं सकते कि आपने कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी यही खत्म नहीं हो जाती संजय जी? नहीं, अभी अभी हम जैसा मैंने बताया कि केवल बर्खास्तगी तो प्राइमा फेसाई फर्स्ट स्टेप होता है, सभी के लिए जो है वो विजिलेंस में केस भेज दिया गया है और विजिलेंस अपने तरीके से भी जांच कर रहा है। और अगर इसके बाद हमारे जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, अगर ये पाया जाएगा कि इसके बाद के भी अगर किसी अधिकारी का कोई डायरेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो पहला जो एक्शन लिया गया है वो तो उन अधिकारियों के अगेंस्ट में लिया गया है जिनका फील्ड पे डायरेक्ट ड्यूटी था, पर अगर लापरवाही का मुद्दा बाकी सीनियर अधिकारियों पे भी आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हम उसके लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसकी विजिलेंस जांच चल रही है। जो लोग एक्चुअली जॉब में थे ऑन द ग्राउंड उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, एंड अगर कोई सीनियर ऑफिशियल का भी कोई नेग्लिजेंस मिला तो फिर आप लोग एक्शन लेंगे। बट इजंट इट कॉमन सेंस, मतलब जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है वो तो चल ही रही है, दे आर गोइंग टू लुक एट ऑल एंगल्स, बट यू नो इन कॉमन पार्लेंस वी सी यू नो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, लेट्स से यू नो एट एनी ऑफिस फॉर दैट मैटर, इट्स द सीनियर मोस्ट पर्सन हु इज ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल टू सर्टन एक्सटेंट्स, एंड इन दिस केस इट्स एन you know probably in a long time that Delhi has seen this kind of a fire incident. Shouldn't there have been a bigger statement from your civic body to the people of Delhi that you know we are taking this so seriously, just suspension of juniors is not going to cut it? Shouldn't there be some extraordinary step that you take? Because what you have done, sir, is routine procedure. Hum karwai kar rahe hain, hota rahega, jab probe mein kuch niklega kar lenge. But sir, there is an urgent need to send out a strong message to the people of Delhi. What are you doing about that? Because just taking action on juniors may not be sufficient. See, as I have told you, this is just the first prima facie reaction which we are doing by suspending few officers who are on the field in order to avoid such untoward and tragic incidents in the future. Across the entire North MCD, a three-pronged strategy and three-pronged survey is being carried out, as I told you already. All the industries in the industrial area without any fire NOC and factory license, they are being surveyed. And similarly, those factories which are operating in the non-conforming areas, which is a residential area, they are being surveyed. And parallelly, the bars and restaurants which are running without fire NOC and health license, they are being surveyed across North MCD. Already in the last 3 days, thousands of factories and restaurants have been surveyed. We have issued 48 hours and 72 hours as the case may be. Show cause notice to them, we will receive their reply. Right. If they reply and it is not found satisfactory, we will take action of sealing and all. Right. So, because Mr. Goel, there seems to be a very urgent situation over here. If I can just point out a few things that the police's preliminary report has found. Basically saying there was a lot of congestion. There were cardboards apparently kept near the switchboard where the genesis of the fire took place. And there was apparently a lot of assembling units of CCTVs and routers were there, and steel sheets were being used as partitions in that particular floor of that building where the fire actually started. And this might be just one of the buildings that we're looking at in Narela area. It's an industrial area. It's a factory area. And this is a very highly congested area, sir. It's a challenging job for you as well, I understand. But what are the steps besides the survey report that your team is doing in terms of ensuring that such a mishap does not take place once again in that same area? Because it seems looks like a tinderbox at the moment. See, sir, it's just not a survey. The survey is to find out how many such industries are working in the non-conforming area. And even if they are working in the conforming area, but without proper safety precaution for fire, they will be held accountable. We are issuing show cause notice to them. In hundreds of cases, show cause notices have been given and they have been asked to reply within 48 hours to 72 hours. And if their replies are found unsatisfactory, then surely we are taking action against them. You will find a lot of sealing action in the next few days once because the survey started, the show cause notices, they have been just issued to these industries. We are already getting calls from various industry associations and market associations about the same. So we will take action. We are assuring you that whatever as a corporation,
all the preventive steps we can take to prevent such unfortunate and highly tragic accidents, we will take care and we will leave no stone unturned. That is, we are assuring you. And regarding the lapse on the part of the officers, as I have already told you, those who are in the first impression itself who were found liable, they have, the action has been taken, but vigilance case is still going on. There is a vigilance inquiry on record, and if anybody else is found responsible, the action will be taken. We will not be putting anything under the carpet. Right. Okay, great. Thank you, sir. One last question before I the one last question from my side. I'll put you on the spot a little bit, Mr. Goel. What is the timeline that we are looking at in terms of your internal probe? The survey of the area and, you know, assessment of the situation in other buildings might take some time, I understand. What is the timeline that we are looking at as far as your own internal probe on your own officers is concerned? When can we actually see? Because either you're waiting for the Delhi police to come and tell you that this is what we have found. I'm sure you're carrying out your own internal probe. So what is the timeline that we are looking at in terms of you taking action on your own officers? Where is that accountability time dotted line that you're fixing? No, I never said that we are waiting for any other agencies to tell us what we are supposed to do. We know what we are supposed to do. We have already initiated a vigilance inquiry. Generally, it takes 15 to 30 days time. We have told our CVO to finish the inquiry in a time-bound manner, and we will take action. So often I can't tell you that whether it is 7 days or 10 days, but as early as possible and in a very time-bound manner, we will take action against all those found guilty. And my now priority is also not only to find out those who were guilty, but also to see that such incidents are not repeated in future. And as you very well know, you have yourself told that the way Delhi has come up in last 70, 80 years, there are more than, say, 500 unauthorized colonies which are in North MCD jurisdiction. Similarly, in lot of Laldora areas, certain violations are there and they have become very widespread and pandemic. So as I told you, now we are listing, there are hundreds of industries which might be surreptitiously working in residential area or non-conforming area. So I can't say, but now because there is a public opinion that such hazardous things should not be operating in the residential area, we will take a massive action against those who are found guilty and those which are violating the law. Right, Mr. Sanjay Goel, thank you so much for your time. We understand it's a difficult job, but also questions have to be raised in terms of the accountability of civic body officials also in terms of what they are doing. I would hand it back to Shweta in the studio. तनिमा, आपका शुक्रिया. और संजय जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर. जिस तरीके से आपने कहा कि जो एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के अंडर बहुत सारे जो एरिया की बात करें, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज की आपने बात की, उनके नंबर्स ज्यादा हैं, संख्या ज्यादा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कर्मचारी आपके पास कम है कि घटना होने के बाद आप लोग जागते हैं, उससे पहले सोए रहते हैं? क्या कर्मचारियों की कमी है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एक शब्द डालना चाहूंगी, क्या फिर आलस यहाँ पे आ रहा है, या ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बाध्य करती है कि घटना से पहले आप लोग उतने मुस्तैदी से काम नहीं करते, जब घटना हो जाती है उसके बाद अचानक से एमसीडी जाग जाती है और एक कार्य की अपनी एक लंबी लिस्ट फेहरिस्त दे देती है? देखिए, आपकी बात ठीक है कि कुछ तो द वे द सिटी हैज कम ओवर इन द लास्ट सो मेनी इयर्स, सो देयर द डेमोग्राफिक सेटअप जिस तरह का हमारा यहाँ पर हो गया है, देर आर मेनी थिंग्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, बट दैट डज नॉट एब्सॉल्व द कॉर्पोरेशन फ्रॉम इट्स ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज. स्टाफ हमारे पास है, बट नाउ वी आर यूजिंग इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स. सो हमने अब उसमें हमारे बेलदार को भी, सफाई कर्मचारी को भी हमने इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाई है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं होता कि इतनी मैसिव एक्सरसाइज की जाए. और जैसा मैंने बताया कि जब वायलेशंस का लेवल या जो अनप्लैंड डेवलपमेंट जो है, इट इज सो widespread and massive in the entire city, तो उस समय एक बहुत बड़े स्केल पे अगर एक्शन लिया जाएगा तो उसमें सभी डिपार्टमेंट्स की टीम को जोड़कर टीमें बनाई गई हैं, उनका सर्वे चल रहा है. और चूंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, उसके बाद एक रोष है लोगों में, पब्लिक में एक ओपिनियन बना है कि नहीं, इस तरह से जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम लोग जो भी इस तरह की जो यूनिट्स चल रही है, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम. जी संजय जी, आशा भी यही करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो दिल्ली में, क्योंकि जिन घरों के लोग जाते हैं उनसे उनका दर्द पूछे तो आपको समझ में आएगा. फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए.